नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आज आपको अपने गांव के आसपास के खेतों और उनकी गतिविधियों की सैर कराने के लिए ले चलते हैं। ये सामने दिख रही जो पुलिया है, इसी पर बचपन में बैठते थे। ये राजबाहा है, छोटा राजबाहा जो झंझोखर तक जाता है। अभी इसमें पानी नहीं है। सामने एक ट्रैक्टर ट्रॉली है जिसमें इस समय गन्ना भरा जा रहा है, और राजबाहे की पटरी पर ये एक रास्ता बोगी के लिए, ट्रैक्टर के लिए, और ये हरे भरे खेत। गेहूं की फसल आपको दिखाई दे रही है और सामने गन्ने की फसल। ये कुछ गांव के घर, एक ट्रैक्टर आ रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा पानी आपको दिखाई दे रहा है इस राजबाहे में, जिसे रोक करके रखा गया है। आमतौर पर पशुओं को नहलाने के लिए या उनके पानी पीने के लिए, खेतों की सिंचाई के लिए ये एक छोटी सी ट्यूबवेल, और ये वृक्ष देखिए सूख गया है, मतलब वृद्ध हो गया है, और इस ट्यूबवेल के पिछले हिस्से में जाते हैं जहाँ पानी निकलता है, आता है। तो ये एक, इसको गांव में होद बोलते हैं, इस होद में आकर के पानी पड़ता है और उसके बाद फिर यहाँ से होते हुए दूसरी तरफ चला जाता है रास्ते के। खेतों के बीच में किसान ने एक चारपाई भी डाली हुई है ताकि आराम की ज़रूरत पड़े तो ज़रा कमर सीधी कर ली जाए। और ये सरकारी हैंड पंप, पहले खेतों के बीच में ऐसी सुविधाएं नहीं होती थी। काफ़ी दूर से मिट्टी के बर्तनों में पानी ढोने के लिए मजबूर होना पड़ता था किसानों के बच्चों को, जब उनके पिता, उनके ताऊ, दूसरे लोग खेतों में काम करते थे। और ये एक और गन्ना किसान जिसका ट्रैक्टर ट्रॉली खेत में खड़े हैं और वो इस समय गन्ना छील रहा है। अभी भी ट्रैक्टर्स का चलन भले ही बढ़ा हो, पर भैंसा बोगी या बैल बोगी किसान यूज़ करते हैं। ये इस खेत में जो आप देख रहे हैं, सरसों पक गई है जिससे सरसों का तेल भी बनता है। इसके दाने अलग कर लिए जाते हैं, तो किसान ने सरसों काट ली है। चलिए थोड़ा करीब से देखते हैं। ये एक नाली है जिसमें पानी आ रहा है राजबाहे का, तो आपको दिखाते हैं सरसों जो पक गई है और जिसको किसान ने काट दिया है। ये जो आप देख रहे हैं, ये
इसको हम फली बोलते हैं गांव में, इसके भीतर ही सरसों के दाने होते हैं। इनको निकाल लिया जाता है और फिर जो तेल मिल होती है या तेल की चक्की होती है वहाँ फिर इससे तेल निकाल लिया जाता है। और ये गेहूँ का खेत जो कुछ समय में पक जाएगा। ये जो गेहूँ की बाली के ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं ये खरपतवार है जो गेहूँ की फसल को नुकसान पहुँचाता है। ये खेतों के बीच की नालियाँ हैं जिनसे पानी ले जाया जाता है खेतों तक। यहाँ पानी अभी भरा ही हुआ है। ये गेहूँ की फसल है, नाली के इस तरफ लेफ्ट हैंड में ये सरसों की फसल है। अभी मैंने सरसों की कटी हुई फसल दिखाई थी, ये अभी हरी फसल है इसलिए अभी इसको काटा नहीं गया है। और उसके ठीक पीछे की तरफ आप देख रहे हैं ईख का खेत। यहाँ दो ट्रैक्टर आपको देखने को मिलेंगे जो इस समय खेत की जुताई करने में लगे हुए हैं। एक यहाँ है, एक दूसरे खेत में है। अभी ट्रैक्टर पर बैठ कर के भी आपको जुताई कैसे होती है थोड़ा नज़दीक से दिखाएंगे। ये 50 साल पुराना ट्रैक्टर है। इनके पिताजी गिरिराज ने ये खरीदा था 50 साल पहले। ये जुताई भी कर रहा है और पीछे से ज़मीन को समतल भी करता हुआ जा रहा है।
ये छोटी छोटी पगडंडियाँ खेतों के किनारे, और इन्हीं से होकर के ग्रामीण और किसान वगैरह गुजरते हैं। यही उनके आने जाने की उनके संपर्क मार्ग समझ लीजिए। एक किसान का बेटा है जो मोबाइल पर किसी से बात कर रहा है, और ये पीली सरसों उसने अभी कंफर्म किया, मोटी पीली सरसों है ये, जो कट गई है, काट ली गई है, और अब इसके यहाँ ढेर लगे हुए हैं। तो इसका भी प्रोसीजर तो वही होता है, इसको तेल मिल पर या तेल चक्की पर भेजा जाता है। और अंतर देखिए, इसने दो ढेर लगाए हैं, एक वो ढेर है और एक ये ढेर है। इसकी जो फली है ये मोटी है, इसमें से पीली सरसों निकलती है। एक मैं दिखाता भी हूँ आपको, ये वाली अगर आप देख सकें, ये पीली सरसों है, और दूसरी सरसों सामान्य सरसों है। इसकी जो ये फली होती है ये बहुत पतली होती है, बारीक होती है। इसमें से जो काली सरसों है वो निकलती है। ये एक ट्रैक्टर ट्रॉली में गन्ना भराई का काम चल रहा है। ये गन्ना भराई का काम इस तरीके से होता है। पहले गन्ने को छीला जाता है, फिर उसकी पूली बांधी जाती है, फिर ट्रैक्टर ट्रॉली में उसे डालने का काम होता है, और इसके बाद इसको चीनी मिल पर भेज दिया जाता है। अब ये एक तो विवाद का विषय रहा है कि चीनी मिल किसानों को समय से गन्ने का भुगतान क्यों नहीं करते हैं। कई बार तो एक एक साल हो जाता है गन्ने के पेमेंट का इंतज़ार करते करते उनको। और ये खेतों से गांव के कुछ घरों का एक विहंगम दृश्य, यानी गांव के बाहर आप खेतों में खड़े होकर के अगर गांव को निहारें तो एक अलग ही दृश्य बनता है, दिखाई देता है। और ये तालाब जिसे गांव में जोहड़ बोलते हैं, इधर वेस्ट यूपी में तो जोहड़ बोलते हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में इनके अलग अलग नाम होते हैं। और तालाब के उस पार आपको गांव का विहंगम दृश्य दिखाई दे रहा है, थोड़ा और नज़दीक जाकर के आपको दिखाएंगे। तो इस समय ये तालाब जो है पूरी तरीके से सूख गया है, बहुत कम पानी इसमें बचा है। जैसे ही बरसात होगी तो गांव भर का जो पानी है वो फिर इसमें जमा होना शुरू हो जाएगा। अभी तो हालत ये है कि बहुत कम पानी इसमें बचा हुआ है। वो आजकल मोबाइल फ़ोन के टावर आप देख रहे हैं, सभी जगह पहुंच चुके हैं, और गांव में भी अब संचार व्यवस्था ठीक है, संतोषजनक कही जा सकती है।
और मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक करें और अपना कमेंट भी दें, और वीडियो को फॉरवर्ड करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।